स्टूडेंट वेलकम इन दिस लेक् टू पावर सिस्टम वन एंड द टॉपिक इज करोना लॉस एंड इट्स इफेक्ट सो फ्रेंड्स लास्ट टर्न पे हम लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि कोरोना लॉस क्या है करोना लॉस को हाउ वी कैन इवेल्युएट द करोना लॉस एंड करोना लॉस की वजह से पार्शियल डिस्चार्ज फिनोमिना जो करोना फिनोमिना है उसकी वजह से पार्शियल डिस्चार्ज हो रहा है एंड इन बिटवीन द कंडक्टर देयर विल बी अ लीकेज करेंट तो इन सभी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो क्योंकि करोना एक एक तरह से करोना में लीकेज करेंट है और ये एक अनवांटेड फिनोमिना हो गया ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्योंकि इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरह का पावर लॉस भी हो रहा है तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना की वजह से क्या पावर लॉस हो रहा है पावर सिस्टम नेटवर्क में एंड हाउ व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द पावर लॉस और कोरोना का और अदर इफेक्ट्स क्या क्या हम देख ट्रांस पूरे इंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम डिज़ाइन में देख सकते हैं सो कोरोना लॉस एंड इफेक्ट्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो देयर इज अ पावर लॉस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ करोना दैट अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन एफिशेंसी ऑफ लाइंस एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन रेगुलेशन ठीक है हाउ इज़ लेस सो एक्चुअली जब हम करोना की बात करते हैं तो करोना जो हमारा फॉर्मेशन है करोना के फिनोमिना या आयोनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर की वजह से जो ये फिनोमिना हो रहा है करोना का इसकी वजह से जो ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी मीन्स की जो हमारा पावर आउटपुट है मीन्स अगर हम बात करें एफिशियंसी की तो दर्सेंटेज एफिशेंसी को हम सिंपली रिप्रजेंट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट ओके सो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू हंड्रेड अगर हम करें मींस दिस इज योर सिंपल आउटपुट तो ट्रांसमिशन लाइन के टर्म में एफिशिएंसी क्या होगी कि जितनी पावर हम डिलीवर करना चाहते हैं सपोज यू हैव अ टू बस बस आई एंड बस जे यहाँ पर दो बस हमारे पास हैं एंड द ट्रांसमिशन लाइन इन बिटवीन द बस आई एंड जे तो हम जो पावर इंजेक्ट कर रहे हैं एट देंडिंग एंड और जो पावर हम आउटकम के फॉर्म में ले रहे हैं एट द रिसीविंग एंड तो सपोज इफ़ यू आर इंजेक्टिंग द पावर पी एट द दिस एंड एंड इफ द पावर इज डिनोटेड एज पी जे तो अगर हम जितना पावर इंजेक्ट in, कर रहे हैं अगर उतनी ही पावर आउटकम के फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल रही है पी जे पे तो हम कहेंगे कि लाइन हमारी 100% परसेंट एफिशियंट है अदरवाइज क्या होगा कि कुछ लॉसेस हमारे यहाँ पर होंगी दैट लॉसेस इज़ आई स्क्वायर आर लॉस जिसको हम पावर लॉस ऑन द ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन की अफिशियंसी कम हो रही है बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई स्क्वायर आर लॉस एक्चुअली हमारे सिस्टम में केवल एक ये है हमारा ड्यू बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ड्यू बिकॉज ऑफ द करेंट लेकिन हमने अभी क्या डिस्कस किया कि जब हम पावर ट्रांसफर uh, कर रहे होंगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सो so, जो हमारी सराउंडिंग एयर है जो ट्रांसमिशन लाइन के सराउंडिंग uh, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे दैट विल बी आयोनाइज क्योंकि यहां पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लेवल है दैट इज अप और uh, के ऑर्डर का है या हम कह सकते हैं कि इट इज एट द हाई वोल्टेज ऑर्डर तो ये हाई वोल्टेज ऑर्डर का है तो ठीक है हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा यहां पर कोरोना का फॉर्मेशन होगा और ड्यू बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना क्या होगा ये आयोनाइज हुआ, हुआ और मे बी बिकॉज यहां मैंने सिंगल लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आइदर इट इज़ अ टू थ्री कंडक्टर इन थ्री फेज और इट विल बी अ टू कंडक्टर केस ऑफ सिंगल फेज तो दो कंडक्टर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसकी इंटेंसिटी की वजह से हमारे यहाँ कोरोना का फॉर्मेशन है तो यानी पावर सिस्टम में या ट्रांसमिशन सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम योर पावर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस एक एडिशनल करंट और फ्लो हो रही है यानी आई मेन करंट के अलावा जिसको हम कह सकते हैं पार्शियल डिस्चार्ज और द लीकेज करेंट जो कि हमारा हो सकता है कंडक्टर थ्रू इन्वायरमेंट थ्रू योर जो भी नियरेस्ट ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू तो ये जो लीकेज करंट है इसकी वजह से भी लॉस हो रहा है तो इस पूरे फिनोमिना को हम करोना लॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जब हमारा ये लीकेज करंट की वजह से लॉस फैक्टर दिख रहा है तो इट विल वॉट इट विल बेसिकली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आपका पावर से हम ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी अफेक्ट होगी साथ ही साथ आपका क्या होगा कि इट अफेक्ट्स आल्सो रेगुलेशन क्योंकि यहाँ पर करंट मींस मेन करंट के अलावा आपके एडिशनल करंट अदर मींस प्रेजेंट है तो इसकी वजह से आपका जो रेगुलेशन है वो भी इफेक्ट हो सकता है लेकिन हाँ नॉट एट द हायर लेवल इट शुड बी अ वेरी मिनिमल बहुत सर्टेन अमाउंट में बहुत कम ही होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है सो इन पावर लॉस इज इफेक्टेड बाई द एटमोसफेरिक एंड लाइन कंडीशन टू प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कोरोना इफ़ेक्ट है कोरोना इफेक्ट बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है हाई वोल्टेज की वजह से और हाई वोल्टेज को हम वहाँ पर क्या करें हाई वोल्टेज प्रेशर यानी जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो हम इवेलुएट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना कोरोना होगा और उससे एसोसिएटेड लॉस होगा अभी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होगा दैट विल ऑल्सो अफेक्टेड विद द योर इन्वायरमेंटल सिचुएशन यानी वेदर का जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा और साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा कंडक्टर के सरफेस पे जैसे जिसको हम लोगों ने फैक्टर्स के नाम पे पे uh, डिस्कस किया था लास्ट सर तो कीपिंग ऑल द थिंग्स इन आवर माइंड अगर हम सारी चीजों को एक जगह रखें तो फॉर पावर लॉस ड्यू टू द दोना लॉस फेयर वेदर कंडीशन कैन बी डिराइड बाई अ द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू इट इज अ अम्पेरिकल फॉर्मूला इम्पेरिकल मीन इट इज अ एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला which is derived by the peaks uh, it is known as a peaks formula for corona loss evaluation and it can be represented as 244 244 by delta in bracket f plus 20 f root r by d capital d is the distance r is the radius of the conductor phase voltage means per phase voltage minus v

सो अंडर एब नॉर्मल वेदर कंडीशन और यही जब हम ऐब नॉर्मल वेदर कंडीशन की तरफ जाते हैं दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड फेयर इन्वायरमेंट के लिए है और अगर वेदर कंडीशन एब नॉर्मल है तो डी ज़ीरो नॉट को हम क्या कर सकते हैं दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट एट टाइम्स इट्स वैल्यू ये वैल्यू आपकी वन की जगह पर जीरो पॉइंट एट होगा एंड अंडर फेयर वेदर कंडीशन एंड पावर लॉस ड्यू टू करोना लॉस कैन बी गिवेन एज पी इजक्वल टू टू फोर्टी फोर बाई डेल्टा एफ प्लस ट्वेंटी फोर रूट ओवर डी आर बाई डी वी पी एच माइनस हमने प्रीवियस केस में देखा था दैट इज एम जीरो सॉरी एम जीरो डेल्टा जीरो जो क्रिटिकल डिस्टर्पटिव वोल्टेज है उसके साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कंडक्टर की रेगुलेटरी फैक्टर और साथ साथ इन्वायरमेंट का फैक्टर सो पॉइंट जीरो एट वी डी जीरो स्क्वायर इंटू टेन टू माइनस फाइव किलोवाट पर किलोमीटर पर फेस सो करोना लॉस वेन द पावर लॉस ड्यू टू करोना इज लो द इन एंड द रेशियो इज वी पी एच अपॉन वी डी जीरो इज लेस देन वन पॉइंट एट दैन पिटर्सन फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द लॉस इज गिवेन बाई सो प्रीवियस केस में क्या है कि अगर हमारा फेजर वोल्टेज और क्रिटिकल डिस्कटिव वोल्टेज का जो रेशियो है वो वन पॉइंट एट है ठीक है लेस देन वन पॉइंट एट है तो ऐसी सिचुएशन में हम एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे पिटर्सन फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द करोना लॉस इन टू द ट्रांसमिशन सिस्टम तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट लिखते हैं एंड रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज आर द इम्पेरिकल फार्मूला यहां कोई डेरिवेशन नहीं है दीज आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लैबोरेटरी टेस्ट के दौरान यह फॉर्मूले डिराइव किए गए सो वी आर यूजिंग डायरेक्टली यूजिंग दीज फार्मूला फॉर इवेलटिंग द करोनालॉस दैट्स दीज फार्मूलाज आर ऑल्सो नोन एज ए इम्पेरिकल फार्मूलाज सो पी इज इक्वल टू ट्वेंटी पावर माइनस सिक्स एफ वी पी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग टेन डी बाई आर स्क्वायर इंटू के किलो वॉट किलोमीटर पर किलोमीटर पर फेस वी आर के इज द अ फैक्टर विच वेरीज विद द रेशियो ऑफ वी पी एच अपॉन वी डी जीरो यानी पीटरसन ने जो फॉर्मूला डिफाइन किया या डिराइव किया उसमें उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया कि करोना लॉस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड ऑल द टर्म और जैसे पीक्स ने क्या कहा कि करोना लॉस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज फेजर वोल्टेज एंड डिफरेंस ऑफ फेजर वोल्टेज एंड योर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वहीं पीटरसन ने कहा कि नहीं uh, जो करोना लॉस है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ वी पी एच अपॉन वी डी जीरो यानी करोना लॉस जो है वो इसके रेशियो पे डिपेंड करेगा सो so, अगर ये रेशियो अगर हम कहें कि अगर वी पी एच यानी फॉर हायर साइड वोल्टेज अगर ये डिफरेंस 1.8 के ऊपर है तो हम पीटर्सन फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन अगर ये इसकी वैल्यू हमारी 1.8 से ऊपर uh, है तो हम पीक्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा अगर किसी केस में वी पी एच बाई वी डी ज़ीरो यहाँ पर कई बार बहुत से गेट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नॉर्मली भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द व्हाट इज़ द सेलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द फार्मूला पिक्स फार्मूला एंड द पिटर्सन फार्मूला सो दिस इज द की पॉइंट जहाँ पर इफ वी पी एच अपॉन वी डी जीरो इज ग्रेटर देन योर वन पॉइंट एट ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे पीक्स फार्मूला यूज़ करेंगे ठीक है और इफ वी पी एच अपॉन वी डी जीरो इज लेस देन वन पॉइंट एट तब आप पीटरसन फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है तो अगर हम देखें पावर सिस्टम के में बात करें तो वी पी एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज़्यादातर वी पी एच क्या हुआ किलो वोल्ट लाइक सपोज थर्टी थ्री किलो वोल्ट तो अगर हम मीडियम रेंज ट्रांसमिशन मीडियम सब सब ट्रांसमिशन लेवल की बात करें तो मैक्सिमम 33 और 66 तो वहाँ पर क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज कितना है 30 किलो वोल्ट ओके एंड मीडियम रेंज ट्रांसमिशन लाइन जो है मीडियम वोल्टेज रेंज क्या है 33 है 66 किलो वोल्ट है तो अगर आप डिफरेंस देखें फेज़र वोल्टेज और uh, आपके क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज का तो ये कम है तो इस, इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे एंड इफ़ इट इज लेस दैन वन पॉइंट एट तो हम पिटर्सन यूज करेंगे लेकिन नॉर्मली अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करें ई एच वी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वो लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है दैट इज़ टू ट्वेंटी किलो वोल्ट समाइम यू आर यूजिंग द फोर हंड्रेड किलो वोल्ट यू आर ऑल्सो यूजिंग द सेवन सिक्सटी फाइव किलो वोल्ट अब क्रिटिकल डिस्टर्प्टिव वोल्टेज फॉर एयर कितना है थर्टी किलो वोल्ट और आपका फेज़र वोल्टेज कितना जा रहा है टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड सेवन सिक्सटी फाइव किलोवोट सो ऑब्वियसली द रेशियो विल बी वॉट ग्रेटर देन योर वन पॉइंट एट तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पीक्स फार्मूला पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए स्पेशली फॉर द ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए मोस्ट सूटेबल है या कह लीजिए मोस्ट यूजफुल फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम करोना लॉस इवेल्युट करते हैं तो इसकी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करोना लॉस के लिए पीक्स फार्मूला यूज करना है या पीटरसेंस फार्मूला यूज़ करना है वो आपके दोनों वोल्टेज के रेशियो पे डिपेंड करेगा मीन्स द दोनों वोल्टेज क्या क्या है दैट इज योर फेजर वोल्टेज एंड यानी अप्लाइड वोल्टेज पर फेज वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं एंड द सेकेंड क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज नाउ तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देखा कि पावर लॉस कैसे कैलकुलेट होगा सो so, नॉर्मली यहाँ किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए या पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो लॉस इवेल्युएशन है वो एक हम डायरेक्टली इंपीरियल फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं नाउ अगर हम बात करें कि वॉट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द करोना लॉस तो क्योंकि करोना हमने कई फार्मूले में भी देखा ये सारी चीज़ें तो हम अब उस चीज़ को समराइज़ करेंगे कि वॉट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द करोना लॉस यानी जिनकी वजह से करोना आपका लॉस इफेक्टेड हो रहा है सो दीज आर फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन से इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स हो सकते हैं करोना लॉस इलेक्ट्रिकल फैक्टर की वजह से करोना लॉस पे जो डिपेंड डिफेक्ट आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हो सकते हैं और थर्ड फैक्टर है फैक्टर्स कनेक्टेड विद द कंडक्टर्स करोना लॉस जो है वो पूरी ही तरह से डिपेंड करता है इन तीनों फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स एटमोसफेयरिक फैक्टर्स और फैक्टर एसोसिएटेड विथ और कनेक्टेड विथ योर कंडक्टर तो वन बाई वन हम एक एक फैक्टर और उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स क्या है जैसा कि आपने प्रीवियस अगर ध्यान हो पिक्स फार्मूला हमने देखा था तो पीक फार्मूले में जो आपका फार्मूला था वहां पर एक फैक्टर आपने यूज किया एक टर्म दिस इज योर फ्रीक्वेंसी तो पीक फार्मूला जो हमने यहां पर लिया है यानी पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के प्रपोर्शनैलिटी में होगा सो इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर हम पहली बात करें सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का सीधे पावर लॉस से रिलेशन है सो फ्रॉम पीक फार्मूला द करोना लॉस इज ऑब्जर्व टू बी फंक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सो द लॉस इज देयर फोर वॉट हैपेन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी क्योंकि पावर जो है हमारी लॉस अगर हम इसको पी सी करोना लॉस से रिप्रेजेंट करें सो पी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे आपका पावर लॉस भी बढ़ेगा सो लॉसेस देयर फॉर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी सिंस देयर इज़ अ नो फ्रिक्वेंसी इन डी सी ट्रांसमिशन सो करोना लॉस इज लेस कंपेयर टू द ए सी ट्रांसमिशन अब अगर हम कहें कि डी सी ट्रांसमिशन सिस्टम में इफ़ इट इज अ प्योर डी सी ठीक है रिप्पल फ्री आप कहें आपका टेक्निकली कोई भी सॉरी डी सी है और इफ़ इट इज अ कॉन्स्टेंट डी सी रिपल फ्री डी सी तो वहाँ पर कोरोना लॉस नेग्लेजल होगा यानि बहुत कम होगा लेकिन एच वी डी सी ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली क्या है वी आर यूजिंग द कन्वर्टर्स तो हमारा जो जनरली जो प्रोफाइल मिलता है दैट वोल्टेज प्रोफाइल डी सी वोल्टेज प्रोफाइल इज नॉट आई स्ट्रेट लाइन इट इज लाइक दिस वन ऑल दो वी ट्राई टू मिनिमाइज द रिपल फैक्टर्स बट लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ वैल्यू रहती है और यही जो वोल्टेज का वेरिएशन है दैट विल काज द करोना इफेक्ट एंड अदर फैक्टर्स भी हैं जो एच वी डी सी में दिखता है बट इफ वी आर कंपेरिंग द ए सी सिस्टम विद द डी सी सिस्टम द करोना लॉस इन एच वी ए सी सिस्टम इज मोर एज कंपेयर टू डी सी क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी टर्म पे डिपेंड कर रही नेक्स्ट है हमारा लाइन वोल्टेज द ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लार्जली अफेक्टेड द करोना लॉस सिंपली आपने अगर मैं फिर से बैक जाता हूँ तो हमने पीक फॉर्मूला डिराइव किया था जहाँ देखा था यहाँ पर देखा कि जो हमारा पावर है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग मीन्स पावर लॉस जो है वो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वन थिंग दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द लाइन वोल्टेज मीन्स डिफरेंस ऑफ द फेजर वोल्टेज एंड द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज दो दोनों वोल्टेज के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पावर लॉस है वो इस डिफरेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है सो इफ़ योर लाइन वोल्टेज इज़ मोर ऑब्वियसली द डिफरेंस इज इज़ इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द लाइन वोल्टेज द लाइन वोल्टेज इज़ ऑल्सो इंक्रीज एंड द करस्पॉन्डली करोना लॉस विल ऑल्सो इंक्रीज करोना लॉस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑपरेटिंग वोल्टेज व्हेन इट एक्सीड द क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज अगर क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज है आपका लाइन वोल्टेज का तो करोना लॉस बढ़ेगा जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करोना लॉस भी बढ़ेगा साथ साथ नाव इफेक्ट ऑफ द लोड करेंट अगर हम लोड करेंट की बात करें तो द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द लोड करेंट भाई पावर आप ज़्यादा ड्रा करोगे तो करेंट ज़्यादा ड्रा होगी तो करेंट फ्लो विद द कंडक्टर विल बी हाई सो द करस्पॉन्डिंग आई स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ेगा तो साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि करंट uh, पे भी डिपेंड करेगा सो देर फोर इट प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ स्नो ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर सो दीज रिड्यूसेज द करोना लॉस अभी क्या है कि अगर करंट हाई रखेंगे यानी करंट ज़्यादा होगी तो करोना लॉ करेंट लॉस की वजह मीनस पावर लॉस ड्यू एसोसिएटेड विथ योर करेंट आई स्क्वायर आर की वजह से जो हीट लॉस होगा उसकी वजह से स्नो का डिपॉजिट होना कंडक्टर पे नहीं होगा और क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो करोना लॉस है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल सिचुएशन और जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं अभी स्नो अगर उसके पास डिपॉजिट होगा कंडक्टर के ऊपर तो लॉसेज भी इंक्रीज होंगे तो जो कंडक्टर में अगर हाई करेंट फ्लो कर रही है और यू आर ड्राइंग द मोर करेंट फ्रॉम द कंडक्टर तो ड्यू बिकॉज ऑफ दैट वॉट स्नो आपका नहीं फॉर्मेशन होगा और उससे आपका करोना लॉस रिड्यूज होगा एंड द हीटिंग ऑफ द कंडक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन करोना लॉस ड्यूरिंग रेन लेकिन रेन के टाइम पे इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दैट इज द एटमोसफियरिक फैक्टर एटमोसफेयरिक फैक्टर क्या क्या है सो प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक तो सबसे पहला है प्रेशर एंड टेम्परेचर सो एफेक्ट्स करोना लॉस इन द फंक्शन ऑफ द एयर डेंसिटी फैक्टर डेल्टा हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिया वहाँ पर एक एयर डेंसिटी फैक्टर चूज किया हुआ so, है डेल्टा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा तो जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो करोना लॉस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज तो लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिफरेंस ऑफ दीज टू वोल्टेज स्क्वायर

सो so, ये सारे चीज़ों हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूले में डिराइव की हुई है इसके अलावा फैक्टर्स रिलेटेड टू कंडक्टर थर्ड फैक्टर है हमारा कंडक्टर साइज सो कंसीडर सपोज पावर लॉस इज़ व्हाट दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर आर बाई डी तो अगर पावर लॉस को हम देखें तो पावर लॉस इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ दीज टू वोल्टेजेस का स्क्वायर सो इट कैन कंक्लूड दैट द पावर लॉसेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर सो इन एडिशन द वी कैन से दैट द लॉसेज विल बी रिड्यूज ड्यू टू द इंक्रीज डायमीटर जैसे जैसे आप कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाएंगे लॉसेज भी क्या होगा रिड्यूज़ होगा यहाँ से हम देख सकते हैं पावर लॉस इज़ प्रपोर्सनल टू आर बाई डी तो डी जैसे जैसे आर आप इंक्रीज करेंगे रेडियस ऑफ कंडक्टर तो करस्पॉन्डिंगली पावर लॉस भी क्या होगा उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगा दूसरा है स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो फ्रॉम द लॉस फॉर्मूला इट सीन दैट द लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे कंडक्टर के बीच में लॉसेस क्या होंगे कम होंगे यानी कोरोना का इम्पैक्ट कम दिखेगा क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज कम होगा और उसकी वजह से आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सो दीज आर द सम फैक्टर्स मीन दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कोरोना लॉस नाउ हाउ वी कैन रिड्यूज द करोना लॉस अगर हम देखें तो सारे डिस्कशन पे बेज हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स विथ लार्ज डायमीटर्स अगर है हमारा तो हमारा क्या होगा वोल्टेड एट एट विच द करोना अकर्स कैन इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर हैंस द करोना लॉस कैन बी रिड्यूज तो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टर साइज तो उसकी वजह से करोना लॉस रिड्यूज हो रहा है हॉलो कंडक्टर यूज़ करने का फायदा है कि दीज आर यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर होलो कंडक्टर क्योंकि अल्टरनेटिंग सिस्टम में स्किन इफेक्ट भी होता है तो हम कुछ अगर हम हॉलो कंडक्टर यूज़ करें तो उसका एडवांटेज यह है कि इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाएगा अगेन डायमीटर बढ़ने के साथ ही हमारा क्या होगा कोरोना लॉस डिक्रीज होगा इफ़ वी आर यूजिंग द बंडल कंडक्टर इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ सिंगल कंडक्टर हमने बंडल कंडक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया सो इन बंडल कंडक्टर वॉट हैपन द इफेक्टिव जी एम डी जी एम आर जो हमारा है जोमेटिकल मीन रेडियस ऑफ कंडक्टर वो लार्ज बढ़ जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि हमें रिड्यूस करोना लॉस मिला है सो दीज आर द फ्यू मेथड्स बाई द हेल्प ऑफ दिस वी कैन रिड्यूज द करोना लॉस नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवाटेज एंड डिसवान ऑफ करोना लॉस सो इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वॉल बाई रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ हाई वोल्टेज स्टीफ फ्रंट वेव दैट मे बिकॉज ऑफ लाइटनिंग और पावर स्विचिंग जनरली जब हम पावर स्विचिंग करते हैं तो वोल्टेज हमारा बूस्ट करता है देन इट विल बी मींस लाइक दिस तो ड्यूरिंग द स्विचिंग टाइम यहाँ पर जो स्ट्रीप फ्रंट स्ट्रीप है वो बहुत हाई होगा या लाइटनिंग के टाइम पे ये हाई होगा तो so, ऐसी सिचुएशन में ये वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो so, अब आप, आपका क्या होगा कि क्योंकि आपका वोल्टेज हाई हो रहा है तो so, जो डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल डिस्टर्बिव वोल्टेज है और आपका वोल्टेज है मेन लाइन वोल्टेज है वो बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा आपका करोना लॉस रिड्यूस हो रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ करोना एयर सराउंडिंग द कंडक्टर बिकम्स कंडक्टिव एंड देयर इज अ वर्चुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर क्योंकि कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारी जो एयर है वो आयोनाइज है सपोज़ यहाँ पर कोर कंडक्टर है ये आयोनाइज है तो क्योंकि ये चार्ज एरिया है तो जो ओवरऑल करेंट कैरिंग प्रॉपर्टी होगी इसकी कंडक्टर की वो लिटिल विट बढ़ेगी क्योंकि हमारा एक तरह से वर्चुअल कंडक्टर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सो इट विल इंक्रीज़ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर और इसकी वजह से इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर को हम मान सकते हैं बढ़ रहा है एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डायमीटर द मैक्सिमम वोल्टेज रेडियंट बिटवीन द कंडक्टर इज रिड्यूस तो डायमीटर बढ़ाने से जो सरफेस बढ़ रहा है तो जो ग्रेडियंट है वोल्टेज ग्रेडियंट बिटवीन टू कंडक्टर है वो भी हमारा क्या हो रहा है रिड्यूज हो रहा है सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द करोना नाउ सेकेंड पार्ट इज योर डिसएडवांटेजेस ऑफ करोना सो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज अफेक्टेड ड्यू टू द दोना लॉस इवन अंडर फेयर वेदर कंडीशन सम लॉसेस इज इंकर्ड तो फेयर वेदर कंडीशन में कम ही होगा इंडक्टिव इंटरफेरेंस टू नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन ड्यू टू द नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज ड्रॉप आकर इन द लाइन तो डिस जो अगर नियरेस्ट कोई आपका कम्युनिकेशन चैनल है कम्युनिकेशन लाइन है तो जो आपका करोना लॉस है एक तरह का नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज ड्रॉप है यानी एक तरह का नॉन साइनोसाइडल सिग्नल इंड्यूस कर रहा है तो उस पे जो वोल्टेज होगा उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब होंगे दैन विद द अपियरेंस ऑफ करोना ग्लो द चार्जिंग करेंट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द करोना इंट्रोड्यूज हारमोनिक सो अगेन आपका जो कोरोना एक ग्लो के फॉर्म में दिख रहा है उसकी वजह से एक चार्जिंग करंट है जो इंक्रीज़ हो रही है सो so, इसकी वजह से भी क्या होगा कोरोना हार्मोनिक इंट्रोड्यूस करेगा ट्रांसमिशन सिस्टम में ड्यू टू तो द फॉर्मोलेशन ऑफ कोरोना ओजोन गैस इज़ जनरेटेड विच केमिकली रिएक्ट विद द कंडक्टर एंड काज कोरोजन इसके अलावा क्या होगा कि जो करोना लॉस है उसके दौरान ओजोन प्रोड्यूस हो रही है और ये मेटल के साथ यानी कंडक्टर के साथ रिएक्ट करके उसके करोजन का काज बनता है तो उसका करोजन इक्सॉर्ट यानी कंडक्टर की लाइफ भी कम होती है सो दीज आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ करोना लॉस इसका एक और इम्पैक्ट है जो कि रेडियो इंटरफेरेंस के फॉर्म में देखने को मिलता है कि करोना डिस्चार्ज इमिट रेडिएशन जनरली करोना डिस्चार्ज जो है वो रेडिएशन इमिट्स करता है सो विच मे इंट्रोड्यूस अ नॉइज इन द सिग्नल विच इज़ कॉल्ड रेडियो इंटरफेरेंस तो करोना जो है रेडियो इंटरफेरेंस का काज बनता है और इट इज़ अप टू द रेंज ऑफ जीरो पॉइंट Five megahertz. So it also interference with the telephone communication as well as the it also create a radio interference with the radio signals and create the radio noise. Now it also influence all those factors which influence the corona such as air density, humidity, wind, jaise aise aapka environmental change over condition interference, radio interference bhi badega. Radio interference is bad weather is also ten to twenty five dB. ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डी बी तक का इंटरफेरेंस होता है एंड विच इज हायर देन ड्यूरिंग द फेयर वेदर सो दीज आर द सम इम्पैक्ट ऑफ करोना लॉस ऑन द रेडियो इंटरफेरेंसेस आपके एग्जामिनेशन में जनरली यहाँ पर फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सो आई हैव टेकन अ अन वन वन एग्जाम्पल हियर सो इन द थ्री फेज ओवर हेड लाइन अ कंडक्टर है ओवर हेड डायमी जीरो थ्री पॉइंट जीरो सेंटीमीटर ईच आर अरेंज इन डेल्टा फॉर्मेशन एज्यूमिंग दट द क्रिटिकल डिस्टर्बिवल्टेजन है यहाँ पर टू फिफ्टी किलो वो बिटवीन द लाइन्स एंड द एयिटी फैक्टर गिवन है जीरो पॉइंट नाइन जीरो एंड एम जीरो रेगुलेटरी फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन फाइव तो क्वेश्चन है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स आपसे पूछ रहा है एज्यूम फेयर वेदर कंडीशन तो सबसे पहले तो हम डेटा देख लें क्या क्या गिवेन है डायमीटर गिवेन है सो रेडियस वी कैन कैलकुलेट ई रेगुलेटरी फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन फाइव इज गिवेन एयर डेंसिटी फैक्टर इज गिवेन दैट इज़ जीरो पॉइंट नाइन डिस्टर्पटिव क्रिटिकल वोल्टेज टू द न्यूट्रल इज क्या है आपका थ्री हंड्रेड किलो वो लाइन टू लाइन इज गिवेन सो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज आस्किंग एंड एज्यूम क्रिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या दिया हुआ थर्टी बाई रूट टू किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आर एम एस क्योंकि थ्री फेस सिस्टम है तो हम ले रहे हैं इसका सो थैंक यू एक मिनट अब यहाँ पर कट करना होगा पीछे आना सो फॉर करोना लॉस नाउ इट इज ओवर थैंक यू